हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूं संचना और मैं स्वागत करना चाहती हूं आपका हमारे चैनल अव्यूद अकेडमी में, जहां पे आपको होम बेस्ड जॉब्स की न्यू न्यू सीरीज मिल रही हैं, जो कि पांच पांच जॉब हम आपको हर जॉब पोर्टल से बता रहे हैं। वेल रिसर्च करके हमारी पूरी टीम आप तक ये जॉब्स पहुँचाती है। तो आप घर बैठे बिना इन्वेस्टमेंट के आराम से डाटा एंट्री की जॉब करके, जो कि जेन्युइन है, उनसे पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों, अब मैं बात करने जा रही हूँ पहली जॉब की, डाटा एंट्री की जॉब की, जो कि बैक ऑफिस की है। तो यहाँ पे कंपनी प्रोफाइल की तरफ बढ़ते हैं अगर हम, तो यहाँ पे कर्सर सॉल्यूशंस एक्सपीरियंस की बात करें तो फ्रेशर्स की रिक्वायरमेंट है। सैलरी यहाँ पे मिलने वाली आपको 30,000 to 40,000 पर मंथ। लोकेशन आपकी रहेगी दिल्ली। वैसे तो डाटा एंट्री बैकएंड की जो होम बेस्ड की जॉब है, आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हो, तो लोकेशन की बात करने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन हाँ, ये जो जॉब मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो ओवरऑल दिल्ली की है, बात करने जा रहे हैं जॉब डिस्क्रिप्शन की। सो यहाँ पे जो है, इस कंपनी ने ऑफलाइन फॉर्म फिलिंग ई बुक टाइपिंग प्रोजेक्ट में दो जॉब्स निकाली हैं। एक है ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग की, जिसमें आपको पर फॉर्म 15 रुपये मिलेंगे और मिनिमम जो है आपका 800 फॉर्म्स जो दिए जाएंगे, जो आपको सबमिट करने होंगे 7 से 15 दिन में, और आप वीकली कमा सकते हैं 15,000। वहीं सेकेंड जॉब है ऑफलाइन ई बुक टाइपिंग प्रोजेक्ट की, और इसमें आप 100 to 400 पेजेस पर प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, जो आपको सबमिट करने होंगे। अगर आप 100 पेज करते हैं तो 7 दिन में, 200 पेज करते हैं तो 15 दिन में, और 400 पेज अगर आप लेते हैं काम तो 30 दिन में आपको करके देने होंगे, और आप कमा सकते हैं वीक में 9,000। तो अब हम आगे बढ़ते हुए बात करने जा रहे हैं जॉब इन्फो की। तो जॉब रोल है वो डाटा एंट्री बैक ऑफिस का है, और जो रिक्वायरमेंट है वो है लैपटॉप और डेस्कटॉप की। वहीं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आप 10th 12th पास हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आप ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट है तो और भी गुड है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी ना। इसलिए की स्किल्स की बात करूं तो यहाँ पे आपको कंप्यूटर ऑपरेट करना आना चाहिए, बैक ऑफिस का आपको काम आना चाहिए, टाइपिंग स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं आप, एमएस ऑफिस में आपको एक्सेल वर्ड की नॉलेज होनी चाहिए। तो अब हम बढ़ते हैं दूसरी जॉब की तरफ। तो ये डाटा एंट्री ऑपरेटर की है। कंपनी प्रोफाइल की बात करें तो फ्रेशर्स के लिए एक अच्छा चांस है अप्लाई करने के लिए। सैलरी पैकेज रहेगा आपका 20,000 to 80,000 पर मंथ। वही लोकेशन आपकी रहेगी दिल्ली, अदरवाइज आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हो, सकता है कि जो ऑफिस हो वो दिल्ली में हो। और जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करें आगे हम, तो आप अच्छा खासा इनकम कर सकते हो, घर बैठे कमा सकते हो, और जैसे कि हाउसवाइफ हैं, सर्विसमैन हैं, बिजनेसमैन और स्टूडेंट्स हैं, उनको एक अच्छा मौका मिल रहा है यहाँ पे अपने आपको प्रूफ करने का। आप यहाँ पे पेमेंट भी रिसीव कर सकते हो डेली वीकली पेमेंट्स के हिसाब से। तो जैसे कि मैं आपको बता ही रही हूँ कि बस आप कहीं से भी काम कर सकते हो, बस आपको पीसी की, लैपटॉप की रिक्वायरमेंट है। बस जो कैंडिडेट हो वो थोड़ा फ्रेंडली हो, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, ये मैटर नहीं करता, लेकिन बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए उसको कंप्यूटर की, उसका पैशन होना चाहिए कंप्यूटर कहीं ना कहीं, और उसको विलिंग उसको होनी चाहिए कि सक्सेसफुल होने के लिए। वही मैं बात करूं कि आप कंटिन्यू रेगुलर जॉब कर सकते हो, लेकिन आपको कोई टारगेट नहीं दिया जा रहा है, आपके ऊपर कोई वर्क प्रेशर नहीं है, लेकिन जो टाइम आपको दिया जाएगा उसमें आपको ये काम कंप्लीट करके देना है डेली बेसिस पे। तो अब आगे बढ़ते हैं, हम जॉब इन्फो की बात करते हैं दोस्तों। तो जो जॉब रोल है वो डाटा एंट्री एंड बैक ऑफिस का रहेगा। एजुकेशन की बात करें तो अगर आप ग्रेजुएट हैं और पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज रिक्वायरमेंट नहीं है। आप 10th पास हैं और आप कुछ करना चाहते हैं स्टडी के साथ साथ तो भी आप ये जॉब कर सकते हैं। अगर आप 12th पास हैं, आप कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हैं, तो भी आप अपने कॉलेज की फ़ीस खुद से निकाल सकते हैं विदाउट डिपेंडिंग अपने मम्मी पापा के ऊपर। तो आप आराम से इस जॉब को करके ये काम आराम से कर सकते हैं। और की स्किल्स की बात करूँ तो बस आपको कंप्यूटर ऑपरेट करना आना चाहिए, इंटरनेट की नॉलेज होनी चाहिए जो कि आजकल सभी के पास होती है, और टाइपिंग स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए क्योंकि आप डाटा एंट्री ऑपरेटर होंगे यहाँ पे। एमएस ऑफिस की नॉलेज होनी चाहिए, जिसमें एक्सेल और वर्ड की नॉलेज ज़्यादा होगी आपको तो अच्छा रहेगा। वहीं कंप्यूटर ऑपरेटर की बात करें तो आप कंप्यूटर ऑपरेट भी करना आपको आना चाहिए अच्छे से, क्योंकि आप कंप्यूटर डाटा एंट्री ऑपरेटर होंगे। तो दोस्तों, आप तीसरी जॉब की तरफ बढ़ते हैं और हम बात करेंगे टाइपिंग जॉब की, जो कि फ्रीलांसिंग जॉब है। जैसे कि हम फ्रीलांसिंग जॉब से आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जिसमें आप लॉकडाउन में भी आराम से पैसे कमा सकते हैं बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। मैं इन्वेस्टमेंट शब्द बार बार इसलिए यूज़ कर रही हूँ ताकि आपको पता रहे कि आपको कुछ पैसा नहीं देना है यहाँ पे, सिर्फ अपना काम करके देना है टाइमली, और आराम से अच्छे खासे पैसे आपको कमाने हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कंपनी प्रोफाइल की बात करते हैं। तो जो कंपनी है वो है होम बेस्ड सर्विसेज। एक्सपीरियंस जो रिक्वायर्ड है वो है फ्रेशर्स टू 1 ईयर।
और साथ ही सैलरी पैकेज की बात करें तो 7,500 और 30,000 पर मंथ। जो लोकेशन रहेगी वो है दिल्ली। तो आगे बढ़ते हैं, हम जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं। तो कंपनी जो है ऑफर कर रही है सिंपल ऑफलाइन सिंपल डाटा एंट्री जॉब, और ये होम आप घर बैठे कर रहे हैं। वीकली बेसिस पे आप प्रोजेक्ट उठा सकते हैं, वीकली बेसिस पे ही आप पेमेंट ले सकते हैं और कमा सकते हैं 15,000 to 30,000 पर मंथ। चाहे वो स्टूडेंट हो, फ्रेशर हो, वाइफ हो, कोई भी इसको आराम से इस जॉब को अप्लाई कर सकता है। कंपनी आपको जो है 50 पेजेस देगी हफ्ते के, और आपको देगी ₹150 पर पेज। तो आपकी जो अगर लमसम भी माने तो 7,500 हो जाएंगे अगर आप 50 पेजेस कंप्लीट करके देते हो तो। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, और इसका जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ज्वाइनिंग प्रोसेस बताना चाहूँगी। सिर्फ आपको ₹50 के स्टैम्प पेपर पे सिंपल ज्वाइनिंग प्रोसेस करके उनको देना है, ताकि उनके पास प्रूफ रहे कि आप उनका काम कर रहे हैं। सिर्फ ये सिर्फ जानने के लिए है कि आप उनसे जुड़ रहे हैं, तो आपके पास और उनके पास लीगल फॉर्मेलिटी के लिए ये पेपर होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं, जॉब इन्फो की बात करते हैं। तो जो जॉब रोल है वो है डाटा एंट्री और बैक ऑफिस का। रिक्वायरमेंट है लैपटॉप और डेस्कटॉप की। लैंग्वेज जो आपको आनी चाहिए वो है हिंदी और इंग्लिश। इन दोनों में से किसी एक पे भी अच्छी कमांड होगी तब भी आप ये जॉब कर सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हुए एजुकेशन की बात करते हैं। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में यहाँ पे आप अगर 10th पास हैं, 12th पास हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं आराम से, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप ग्रेजुएट हैं और पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो भी आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे वैसे तो क्वालिफ़िकेशन की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, लेकिन अगर आप ग्रेजुएट होंगे या पोस्ट ग्रेजुएट होंगे तो यहाँ पे बेनिफिट ये होगा कि आपको चीज़ें और आसानी से समझ में आएंगी, और शायद आप जॉब को और भी सीरियस तरीके से करें। तो आप की स्किल्स की बात करते हैं। तो की स्किल्स में आप कंप्यूटर ऑपरेट और इंटरनेट ऑपरेट करना आना चाहिए आपको। आपको बैक ऑफिस की नॉलेज होनी चाहिए। टाइपिंग स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए। आप डाटा एंट्री ऑपरेटर रहेंगे। एमएस ऑफिस की आपको नॉलेज होनी चाहिए। दोस्तों अब चौथी जॉब की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बैकएंड की है, बैक ऑफिस की है। और इसमें बात करें कंपनी प्रोफाइल की, तो जो कंपनी है वो है हायर इन ग्लोबल, और एक्सपीरियंस जो रिक्वायर्ड है वो है फ्रेशर्स। सैलरी की बात करें 25,000 मिनिमम और मैक्सिमम 38,000 पर मंथ। लोकेशन आपकी रहेगी दिल्ली। तो दिल्ली वैसे तो आप किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन दिल्ली को जो है टॉप पे रखा जाएगा यहाँ पे, क्योंकि कंपनी जो है रेफ़र करती है जो लोकेशन वो देती है। तो अब आगे बढ़ते हुए जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं। तो यहाँ पे ₹180 आपको दिए जा रहे हैं पर पेज पे। बस आपका जो है टाइम टारगेट रहेगा, आपको कंप्लीट करना होगा ये जब टाइम आपको जो टाइम दिया जाएगा। आप आराम से पेजेस ले सकते हैं 20 से 1,000 तक के, और आप काम कर सकते हैं एनी टाइम। कंपनी प्रोवाइड यू अ गुड अपॉर्चुनिटी कि आप आराम से खुद का बॉस बन के काम कर सकते हैं। कंफर्टेबल रहते हैं आप होम पे, आप आराम से काम कर सकते हैं। आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स एंड हाउसवाइफ के लिए। जॉब इन्फो की बात करें तो डाटा एंट्री और बैक ऑफिस की ये जॉब है। और एजुकेशन की बात करें तो आप अगर ग्रेजुएट हैं या अंडर ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं या 10th पास हैं, 12th पास हैं, तब भी आप आराम से इसको अप्लाई कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको अप्लाई करने से पहले। वहीं की स्किल्स की बात करें तो आपको कंप्यूटर ऑपरेट करना आना चाहिए। बैक ऑफिस का काम रहेगा आपका। टाइपिंग स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आप डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं। एमएस ऑफिस आपको काम करना आना चाहिए उस पर। तो दोस्तों अब हम पांचवी जॉब की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि है सिंपल डाटा एंट्री की, जिसमें कंपनी प्रोफाइल है विश्वा वर्क, एक्सपीरियंस जो रिक्वायर्ड है वो है फ्रेशर्स, और सैलरी पैकेज आपका रहेगा 5,000 to 7,000 मिनिमम पर प्रोजेक्ट में। लोकेशन आपकी रहेगी दिल्ली, और आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हो इस काम करने के लिए। तो आप कॉल कर सकते हो उन्हें और सर्च कर रहे हो, अगर आप होम बेस्ड जॉब तो आप सही जगह हो। आप पीसी लैपटॉप से भी काम कर सकते हो। तो जॉब इन्फो की बात करें यहाँ पे, तो जो जॉब रोल है वो डाटा एंट्री बैक ऑफिस का है। रिक्वायरमेंट है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की, कि आपको आना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। जॉब टाइप आप करेगा पार्ट टाइम। एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पे एनी ग्रेजुएट एनी पोस्ट ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 10th 12th पास हो तब भी गुड है कि आप अप्लाई कर पाओगे आराम से। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों और की स्किल्स की बात करते हैं। तो की स्किल्स की बात यहाँ पे बैक ऑफिस का आपको काम आना चाहिए। टाइपिंग स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके आराम से आप टाइपिंग स्पीड पे अपनी कमांड कर सकते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर का आपको काम आना चाहिए। एमएस ऑफिस की आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पे कंप्यूटर डाटा एंट्री ऑपरेटर रहेंगे। इंटरनेट और कंप्यूटर की नॉलेज ये मस्ट है।
तो दोस्तों अब आप बात तो करते हैं कि आप अप्लाई कैसे करेंगे। पहले तो मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं पांचों जॉब के, आपको जो भी जॉब अप्लाई करनी हो आप उस पर क्लिक करके क्विकर पे जा करके आराम से इसको अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और जो सब्सक्राइब करेंगे तो साइड में बेल आइकन होगा उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको होम मेड जो जॉब है, होम बेस्ड जॉब है, उन पे नई न्यू अपडेट्स मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए।